नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, सब स्टाफ के पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो 12th बीपीएस के बाद उनकी सैलरी एज ऑफ जनवरी 24 क्या होगी। तो पहले तो हमें देखते हैं कि जिस हिसाब से पे स्केल एमयू साइन हुआ है और उसका पे स्केल सब स्टाफ का ₹90,500 से ₹37,815 बन रहा है। इसमें शुरुआत में 665 का 4 इंक्रीमेंट है, 830 का 5 इंक्रीमेंट, 990 का 4 इंक्रीमेंट, 1170 का 3 इंक्रीमेंट और 1345 का 3 इंक्रीमेंट। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट डीए के हिसाब से जनवरी का डीए होगा वो 15.77% होगा, जैसा कि 12th बाईपार्टाइट में एग्रीड हुआ है। स्पेशल अलाउंस की बात करें तो 26.7%, इसको श्री बमलिस ने अपने एक स्पीच में कहा था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 प्लस डीए और एचआरए में कोई चेंज नहीं है, दैट इज द 10.25%। और एक इस तरह से अगर हम उनकी सैलरी कैलकुलेट करें तो एक जो नया रिक्रूटी आता है उनका पे स्केल 19,500, डीए 15.7 पर डबल 7% के हिसाब से 3,075, एचआरए 10.25% के हिसाब से 1,999, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए 134, स्पेशल अलाउंस एट द रेट ऑफ 26.7%, इट विल बी 5,206 एंड डीए देयर ऑन 821 रुपीज। टोटल ग्रास सैलरी विल बी 31,585 रुपीज। ये जनवरी का है। दिसंबर और फरवरी माह में सैलरी जब डीए रिवाइज होगा, अकॉर्डिंगली जो डीए अप्लीकेबल होगा वो उस पर लगेगा। फ्रेंड्स, ये इनिशियल बेसिक पे के हिसाब से कैलकुलेशन है। यदि आपकी सर्विस जिसके हिसाब से है आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज बाई स्टेज आपको मिलेगा, उसमें आपके इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक पे बढ़ जाती है उसमें ऐड हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, आपको नई सैलरी के बारे में जानकारी चाहिए, आपके किस स्टेज में है, आप बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको इसको इन्फॉर्म करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।